खरगोन जिले के बिस्तान थाने पर 100 से अधिक आदिवासी लोगों ने पथराव करते हुए थाने में तोड़फोड़ की और पुलिस वाहन सहित थाने में भी जमकर नुकसान पहुंचाया। खेरकुंडी गांव के लूट और डकैती के आरोपी बसन की जेल में मौत होने के बाद गुस्साए लोगों ने थाने पर जमकर पथराव किया। वहीं 3 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने अश्रु गैस का उपयोग कर उत्पातियों को वहां से खदेड़ा। 3 दिन पूर्व बस्तान पुलिस ने 12 लोगों को लूट के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं SDM सत्येंद्र, SDOP सहित भारी पुलिस बल मौके पर। क्या मामला थी? ये एक बिस्तान थाने में एक अपराध लूट और डकैती का दर्ज हुआ था, जिसमें लगभग 12 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनसे लूट किया गया, माल भी जब्त हुआ। उसके बाद इसमें जो है एक आरोपी था, उसको जेल दाखिल कर दिया था। उसके बाद उसको घबराहट के बाद उसका डेथ हो गई थी। और उसके बाद कुछ लोग आए और आने के बाद उन्होंने जो अचानक फायर कर दिया, यहाँ पर पथराव कर दिया चारों तरफ से। उसी घटना की सूचना पर हम लोग जो हैं वो तत्काल यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद अभी हमने स्थिति नियंत्रण में कर ली। उद्देश्य कुछ भी नहीं है, अकारण इनके द्वारा किया गया है। आरोपी पक्ष के लोग लूट और डकैती के इनके पास स्थान थाने पर आज पथराव हुआ है। एक कैदी की मौत भी हो गई है और थाने पर तोड़फोड़ हुई है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। काफी तनावपूर्ण स्थिति, क्या है सर? आज सुबह लगभग 9:30 बजे 9:45 बजे के बीच की घटना है। ये बिस्तान थाने के पास में एक गांव है खेरकुंडी, और वहाँ के कुछ आरोपी के 10-12 कुछ दिन पहले डकैती हुई थी, जिसमें ये सारे लोग पकड़े गए थे और ये सभी जेल में बंद थे। उसमें से बीसन पिता हाबू, जो खेरकुंडी गांव का ही रहने वाला है, उसकी कल रात में 2 बजे के आसपास डेथ हो गई। तो उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों का ये आरोप है, उनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस की वजह से डेथ हुई है, जबकि अभी मेडिकल होना बाकी है, पंचायतनामा भी हो रहा है। तहसीलदार से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि कोई इस प्रकार का जाहिरा चोट ऊपर से देखने में नहीं है। वो अभी खेत के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऊपर से डेड बॉडी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें कोई चोट के निशान वगैरह नहीं है। जांच के बाद ही मजिस्ट्रियल जांच होगी, उसके बाद ही वास्तविक घटना के बारे में बता। अभी फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और उनके परिजनों से बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि हम लोग इसको मामले को जल्दी से पूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे जितने भी पुलिस के जवान थे उन्होंने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया और हमारे 3 जवान भी माइनर इंजरी है उनको, 3 जवान को चोट आई है, बाकी स्थिति नियंत्रण। निश्चित रूप से जब भीड़ चारों तरफ से लगी, 100 के आसपास संख्या थी लोगों की और थाने के चारों तरफ घेर करके पथराव कर दिए, तो ऐसी स्थिति में अश्रु गैस वगैरह का सहारा लेना ही पड़ता है। एएसआर टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।